और अभी हम पहुंच चुके हैं श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में, और यह है इसका मुख्य द्वार। वैसे हमें रोड से दिखा था चामुंडा माता टेम्पल, ऊपर से काफ़ी बड़ा दिखा था, तो हमने सोचा यहाँ से गुजर ही रहे हैं तो माता के दर्शन करके ही जाते हैं। तो बस हमने गाड़ी लगा ली और आगे हम नीचे की तरफ, और यहाँ से थोड़ा पैदल चलने को है नीचे को, और काफ़ी सुंदर मंदिर दिख रहा था ऊपर से और हमसे रहा नहीं गया, और हमने सोचा कि चलो अब दर्शन कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी दुकानें भी लगी हुई हैं, अगर हमने माता जी को कोई चुनरी चढ़ानी है या फिर पूजा का कोई सामान लेना है, प्रसाद लेना है, तो इन दुकानों पे हमें मिल जाएगा। यहाँ से लेके नीचे टेंपल तक ये दुकानें हैं बहुत सारी, और यहाँ पे जो लकड़ी की टोकरियाँ बनाई होती है वो भी हमें मिल जाएंगी, तो काफ़ी ज़्यादा सामान यहाँ पर हमें मिल जाएगा। बस हम पहुंच ही गए चामुंडा माता टेंपल में, और चामुंडा माता टेंपल बस यहीं से शुरू हो जाता है। चामुंडा माता मंदिर पठानकोट मंडी हाईवे पर धर्मशाला से 15 किलोमीटर दूर है, और पालमपुर धर्मशाला मार्ग पर पालमपुर से 25 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से मंदिर की ऊंचाई है 800 मीटर, और चामुंडा माता का जो मूल स्थान है जिसे चंद्रधार के नाम से जाना जाता है वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। और ये मंदिर के पीछे जो पहाड़ी दिखाई देती है बस वहीं पे माना जाता है चामुंडा माता का मूल स्थान, और वहाँ पे अगर जाना है तो हमें 16 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, और वहाँ जो माता का मूल मंदिर है उसे जाना जाता है आदि विमान के नाम से। ऐसा माना जाता है कि परिक्रमा पथ में देवी के चरण और शिवलिंग से चिन्हित एक शिला है जो बहुत ही प्राचीन मानी जाती है, और कहा जाता है कि चंड और मुंड दैत्यों का विनाश करने के कारण माँ का नाम चामुंडा पड़ा है। वैसे चामुंडा माता काली माता का ही एक रूप है, और इस मंदिर में चामुंडा माँ की भव्य मूर्ति है, और यहाँ पे आप कतारें देख सकते हैं, बहुत ही लंबी कतारें लगी है, भक्तों का तांता लगा हुआ है माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए अब हम भी दर्शन कर लेते हैं और कतार में खड़े हो जाते हैं। वैसे यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बस यहीं से मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बनाऊंगी और उसके बाद हम मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं माता जी के, और अंदर जो है वो वीडियोग्राफी मना है, तो मैं अंदर की वीडियो नहीं बना पाई। बहुत ही सुंदर नज़ारा है पीछे, और रश आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा रश है। बाहर से कुछ इस तरह का है ये टेंपल, चामुंडा माता टेंपल, और यहाँ पे एक शिला के नीचे ही शिवलिंग है, इसलिए इस मंदिर को चामुंडा नंदीकेश्वर का नाम दिया गया है। और ये देखिए बहुत सारा रश है यहाँ पे, और यहाँ से नीचे जब हम देखते हैं तो बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है, और जैसे ही हम नीचे जाएंगे वैसे ही बहुत बहुत सुंदर सी कलाकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे नीचे आई थिंक पुल है, और अभी यहाँ पे पानी नहीं है, गर्मियों में यहाँ पे बोटिंग भी होती है ऐसा मैंने सुना है, लेकिन अभी यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं भरा गया है। और यहाँ पे साथ में एक शिव जी की मूर्ति है अंदर, और एक माता जी की मूर्ति है, और साथ में पिंजरे में कुछ दो तीन शेर जो है उनकी मूर्तियाँ हैं। मलाई देसी टेस्टी है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी लोकल मलाई जो यहाँ के लोग खुद बनाते हैं और यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं, और कुछ पत्तों में देते हैं, तो बहुत ही टेस्टी है ये वाली मलाई, आप भी यहाँ आएंगे तो ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में।
चामुंडा देवी मंदिर बनेर नदी के किनारे स्थित है और इस मंदिर में घाटों में स्नान करने का भी महत्व है। इसी उद्देश्य से यहाँ पर उत्ताल का निर्माण भी किया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुल पर जब हम आएंगे तो नदी का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है और साथ में यहाँ पे नदी के दूसरी तरफ शमशान घाट पर यहाँ से पुल से जब आप देखेंगे तो चामुंडा माता टेम्पल का पूरा नज़ारा नज़र आता है और बहुत ही सुंदर पीछे देखिए झूले भी लगे हुए हैं टेम्पल के पीछे। और यहाँ पे जब हम पुल से ऊपर चढ़ते हैं तो यहाँ पे दो भैया जो हैं वो चाट बनाने वाले बैठे हैं, तो हम ले रहे हैं एक कटोरी चाट जो कि मुझे बहुत ही टेस्टी लग रही है और देखते ही मुंह में पानी आ गया था, तो हमने यहाँ पे लिए एक कटोरी चाट। तो आप यहाँ आए तो इनसे ज़रूर चाट लें, बहुत ही टेस्टी चाट बनाते हैं ये भैया। दो चाट वाले बैठे होते हैं यहाँ पे, आप किसी से भी यहाँ पे चाट ले सकते हैं, सिर्फ 20 रुपए की कटोरी देते हैं ये। बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही सुंदर जगह, आप देख सकते हैं पीछे रश आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा रश है। तो चलिए फिर अभी गाड़ी में बैठते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। अब देखते हैं, हम सीधा जाएंगे स्टेडियम। दो पीछे से हम लाए थे चाट, बहुत ही टेस्टी है, तो आपको सीधा मिलते हैं स्टेडियम में। तो अभी हमने दर्शन कर लिए हैं श्री चामुंडा माता जी के और अभी हम जा रहे हैं वापस गाड़ी की तरफ। बहुत ही सुंदर है मंदिर और बहुत ही सुंदर जगह है। तो अभी हम आ चुके हैं चामुंडा माता टेंपल से ऊपर मेन रोड पे और यहाँ से है धर्मशाला की दूरी लगभग 14 किलोमीटर। तो चलिए फटाफट से आगे चलते हैं और यहाँ से हमें बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है धौलाधार पर्वत श्रृंखला का लेफ्ट हैंड साइड में। ये देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से नज़र आता है। तो अभी हमें धर्मशाला पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर है धर्मशाला और हम आपको मिलेंगे सीधा धर्मशाला स्टेडियम में। तो चलिए फिर, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।